सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 का टूर्नामेंट भारतीय टीम के सभी फैंस व खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम की हार के साथ खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था उसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। भले इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम 18 रनों के छोटे अंतर से हारी हो लेकिन यह मुकाबला अपने आप में इतना ज्यादा रोमांचक रहा कि शायद इतिहास में इस मुकाबले को तो हमेशा याद रखा जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेमीफाइनल वनडे मुकाबला 2 दिनों तक चला था जिसमें शुरुआत से जीत रही भारतीय क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महज 92 रनों पर ही भारतीय क्रिकेट टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए 116 रनों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण व जोरदार पार्टनरशिप निभाई। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी अब गेम को उस मोड पर लेकर जा चुके थे जहां भारतीय टीम की जीत लगभग तय थी लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 गेंदों पर भारतीय टीम को 25 रन बनाने थे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक छक्का कर अपनी जीत का विबुल बजाना शुरू कर दिया था लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि तकदीर को कुछ और मंजूर था। धोनी अचानक से रन आउट हो गए और भारतीय टीम इस जीते हुए मुकाबले को हार गई। खैर दोस्तों अब नतीजा यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की दौड़ से तो पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम की हार के बाद भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री व कप्तान विराट कोहली पर काफी ज्यादा बड़े सवाल उठाए गए और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय टीम के प्रत्येक फैन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम इस जीते हुए वर्ल्ड कप को जाएगी। दोस्तों सेमीफाइनल के अंतिम मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि 4 या 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते आए हैं, अगर वह 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तो वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले पर ऐसा ही हुआ और अब रवि शास्त्री के गलत फैसले पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी पूरी तरीके से भड़क गए हैं और वह चाहते हैं कि रवि शास्त्री की जगह सौरव गांगुली जैसे महान खिलाड़ी को भारतीय टीम का भविष्य का कोच बनाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर ने इस बात की मांग करी है कि सौरव गांगुली को भारतीय टीम का कोच बनना चाहिए। हाल ही में दिए गए चैनल को एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए सबसे पहले सुनील गावस्कर ने कहा, सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में कप्तान विराट कोहली व कोच रवि शास्त्री द्वारा लिया गया फैसला कि महेंद्र सिंह धोनी को 7वें नंबर पर भेजा जाएगा वह वाकई में काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है। यह तो मेरी समझ से ही परे है कि आखिरकार कोच रवि शास्त्री 3 साल से कोई 4 नंबर के लिए बल्लेबाज क्यों नहीं ढूंढ पाए और मुझे लगता है कि अगर वह ऐसा करने में पूरी तरीके से नाकाम है तो किसी और को उनकी जगह लेनी चाहिए। मेरे नजरिए में सौरव गांगुली एक बेहतरीन कोच बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर ने भी सौरव गांगुली का साथ दिया है। उन्होंने हाल ही में बातचीत करते हुए गांगुली पर कहा कि जिस तरीके से इस बार के वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम को लेकर फैसले लिए गए वह काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं क्योंकि सेमीफाइनल तक भी अगर आपकी टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से सेट नहीं है और आप अंतिम पलों में फैसले ले रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोच और कप्तान के फैसलों में कमी है। मुझे लगता है कि सौरव गांगुली भारतीय टीम के कोच की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीरेंद्र सहवाग जो कि सौरव गांगुली के क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय टीम को मेरे नजरिए में तो एक नए कोच की जरूरत है। ऐसा नहीं कि किसी और कोच में कमी है या फिर खोट, लेकिन मुझे लगता है कि सौरव गांगुली जैसे कोच जिन्होंने भारतीय टीम को एक से बढ़कर एक बल्लेबाज दिए हैं जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, अगर वह भारतीय टीम की कमान अपने हाथों में ले ले तो भारतीय टीम शायद कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट ना हारे। दोस्तों यह केवल भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों की नहीं बल्कि दर्शकों की भी मांग है कि सौरव गांगुली को ही भारतीय टीम का कोच बनाया जाए। हाल ही में हुए आईपीएल में आप सभी ने देखा कि दिल्ली डेयरडेविल्स जो की टीम 0 थी वह सौरव गांगुली की कोचिंग के अंदर हीरो बन गई। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रवि शास्त्री की जगह सौरव गांगुली को कोच बनाना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।